नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है, क्योंकि आज की जो स्टोरी हम लोग आपके सामने लेकर आ गए हैं ये खुद तेजू ने अपनी आंखों से देखा और उसने महसूस किया है। बहुत ही ज़्यादा भूतिया घटना है ये। आखिर क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ आप लोगों को आज तेजू बताने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, तो मैं बताऊंगी आपको कि ये कहानी सच घटने पे आधारित है और ये कहानी आज से 4 साल पहले की घटना पे आधारित है और ये सच है। क्या हुआ था कि हमारे एक रिलेटिव का शादी था महाराष्ट्र में ही, और वहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमने पूरा फंक्शन के लिए पूरा मतलब तैयारी वगैरह सब कुछ किया एंड देन हम लोग वहाँ पे गए, बहुत एक्साइटमेंट, सब बहुत खुश थे। एंड देन उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत एंजॉयमेंट किया, सब कुछ किया। फिर हुआ क्या कि एंगेजमेंट था लड़की का, और लड़की का नाम रिया था। एंगेजमेंट था एंड ज़्यादा एज भी नहीं थी उसकी, और ये एक अरेंज मैरिज ही था। तो एंगेजमेंट था लड़की का, और फिर उसके बाद जिस दिन हम सब लोग रिटर्न आ रहे थे अपने घर के लिए एंगेजमेंट सब होने के बाद, तो उस दिन हुआ क्या कि जो थोड़ी दूर पे जाने के बाद जो हमारा कार था वो जलने से बच गया, मतलब उसमें आग लगने वाली थी। अच्छा, मतलब हाँ। अभी एंगेजमेंट करके आ ही रहे हैं तो इतना अपशगुन होने का एक वैसा होने हाँ, लगा। हाँ। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो ये सारी चीज़ों पे हम बिलीव नहीं करते हैं, तो हमने उस चीज़ों को अवॉइड की और आगे की तरफ हम बढ़े। देन उसके बाद हम अपने घर पहुँचे एंड देन उसके बाद शादी थी 4-5 दिन बाद। फिर शादी के टाइम पर हुआ क्या कि जिस दिन हम मॉर्निंग में आ रहे थे ना, तो हुआ क्या कि जिस कार में वो दूल्हा था वो कार का एक्सीडेंट होने से बचा। अरे, फिर से वापस एक्सीडेंट वाले पे आ गए। हाँ, तो हमने फिर भी मतलब इसको अवॉइड किया। हमने कहा ये सारी चीज़ें होती नहीं है। हाँ। ये सारी चीज़ें हो सकती है कि पहले से ही मतलब कुछ आ रहा हो तो उस पर कट जा रहा है। हाँ, ग्रह मतलब बोलते हैं। हाँ। लोग कैसे कोई चीजें होती है, और गांव के वहाँ के कुछ लोग बोलते भी होंगे शायद कि कुछ भूतिया कांड तो नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसा इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन सब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि आज के जमाने में लोग नहीं मानते इतनी सारी चीजें। देन उसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि फिर हम लोग आए अपने घर पे एंड हम एकदम पॉजिटिव थे एंड ऑल दैट थिंग्स। फिर उसके बाद जब वो लड़की आई फिर उसके बाद वो बहुत अच्छे से थी शादी वादी के बाद। एंड देन उसके बाद 1-2 दिन में ना वो कुछ सामान लेने कुछ चढ़ रही थी एंड बेसिकली वो गिर गई एक अचानक से और उसके सिर में चोट आई। इनफैक्ट उतना ज़्यादा चोट नहीं था, अब कोई भी जैसे कि कम हाइट से अगर गिर रहा है हाँ। ना, तो इतना चोट तो लगेगा नहीं, नहीं, नहीं कि वो एकदम से बेहोश हो जाए 8-9 घंटे के लिए। हाँ, तो ऐसा हो गया था एंड वो टाइम पे कोई था नहीं घर में, तो वो लड़की ऐसे बेहोश पड़ी थी। देन पता चला लोगों को, तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। हाँ। तुरंत वो लोग रश हुए हॉस्पिटल के लिए एंड देन उसके बाद 6-7 घंटे बाद फिर वो उसको होश आया। फिर उसके बाद 1-2 दिन में फिर वो डिस्चार्ज हो गई। फिर वो अपने थोड़ा मतलब घूमने फिरने के लिए थोड़ा गई अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास ऐसे। देन उसके बाद वो वापस आई ससुराल में वापस आई जी। ससुराल में वो वापस आई। फिर हुआ क्या कि वो ऐसे उसको कुछ प्रॉब्लम था एंड हॉस्पिटल उसको जाना था, तो वो हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। और हुआ क्या कि वो टाइम पे मतलब वो लोग बुलेट से जा रहे थे दोनों, पति पत्नी। और हुआ क्या उसको ऐसा मतलब एहसास हुआ कि पीछे से उसको कोई धक्का दे रहा है। अच्छा। और सच में वो गिर गई एकदम बुरी तरीके से। हाँ। और उसके फेस पे पूरा चोट आ गया। मतलब वो बाइक से दोनों कहीं जा रहे थे घूमने के लिए पति पत्नी, और अचानक से उसको फील हुआ किसी ने धक्का दिया और अचानक से गिरी वो। हाँ, अचानक से गिरी वो। हाँ। और उसके फेस पे ही सिर्फ चोट आया था। अच्छा। अगर कोई बुलेट से गिरता है तो पूरे बॉडी को थोड़ा हार्म लगना चाहिए ना। हाँ, चोट तो हर जगह लगेगी। एग्जैक्टली, बट ऐसा नहीं हुआ था, उसके सिर्फ फेस पे चोट आया था और बहुत बुरी तरीके से। देन उसके बाद वापस से उसको हॉस्पिटल लेके गए, और जैसे जैसे मतलब हॉस्पिटल नजदीक आते गई उतना वो चिल्लाती रही, उतना उसको पेन था बिकॉज फेस तो बहुत सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पे तो बट ऑब्वियस है पेन तो होगा ही। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 1-2 दिन के बाद जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसको एक अचानक से उसका जो वॉइस था वो ट्रांसफॉर्म हुआ मेल वॉइस में। अरे? हाँ। और वो बोलती है कि तुमको बहुत घमंड था ना, मतलब इसके वजह से मैंने तुम्हारा फेस खराब कर दिया। मतलब उसको अपनी खूबसूरती पे या अपने फेस पे बहुत घमंड था, ऐसा उसको लगता था, इसलिए कोई उसके मेल आवाज उसके अंदर से आ रही है और बोल रही है इसलिए मैंने तुम्हारा फेस खराब कर दिया, इसलिए मैंने तुमको बर्बाद कर दिया जी।
तो हुआ क्या कि फिर उसके बाद हमने सोचा ये सारी चीजें तो होती नहीं है, हाँ। बट उसके बाद उसकी जो हरकतें थी वो वैसी बिल्कुल लड़की नहीं थी, बहुत अच्छी थी, हाँ। बहुत ही ज्यादा एंड बहुत ब्यूटीफुल थी। तो फिर हुआ क्या कि हमने फिर कहा कि ये सारी चीजें तो होती नहीं है, माइट बी सिर में चोट आई होगी, हाँ। इसके वजह से वो कुछ बोल रही होगी, बट ऐसा नहीं था, बिकॉज चोट तो उसको फेस पे आई थी ना, हाँ। तो फेस से सिर का कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो इसके वजह से फिर उसके बाद चलो इसको भी हमने अवॉइड की। एंड देन उसके बाद वापस से उसके ऊपर वापस से एक मेल मतलब आता है शैतान जो भी बोले, हाँ। तो उसका जो वॉइस था उसने फिर ऐसे बोला कि मैं इसके वजह से तुम खुद से नहीं गिरी हो, मैंने तुमको धक्का दिया है। अच्छा, मतलब कोई मेल आवाज उसके अंदर से निकल रही है और सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग वहीं पे बैठे हुए हॉस्पिटल में, और वो बोल रहा है कि मैंने तुमको धक्का दिया, मैंने तुमको मारा, तुम खुद से नहीं गिरी हो। हाँ, और लिटरली जो सलाइन बॉटल होते हैं वो हिलने लगे, एंड हॉस्पिटल में उसने एकदम मतलब बवाल कर दिया, एकदम से मतलब बोलते हैं ना तोड़ा फोड़म मचा दिया एकदम, मतलब से जैसे पजेस इंसान करता एकदम, है वैसा। हाँ, हाँ। तो मतलब वो वैसे लड़की तो थी नहीं बिल्कुल, बट उसके अंदर ये जो शैतान आत्मा था, हाँ, हाँ। इसके वजह से वो वैसा रिएक्ट कर रही थी। तो हमने सोचा ये सारी चीज़ें होती नहीं है, बट ये एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी है, और ये बहुत ही रियल है, आज से 4 साल पहले की बात है ये। मतलब वही सोचो जो हाँ। नहीं मानते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी बोलो ये सब चीज़ें होती तो हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मतलब ऐसे उसके अंदर से मेल वॉइस आना कि कोई नॉर्मल लड़की के अंदर जो बिल्कुल नॉर्मल थी, और अचानक से शादी के टाइम से इतने सारे कांड होना, इतना अपशगुन होना, वो कहीं से भी नॉर्मल है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है फिर? फिर हुआ क्या कि वैसे उसके कुछ ऐसे रिएक्शंस थे नहीं, पता चला कि इसको किसी ने मतलब अपना जो बोलते हैं ना शैतानी ताकत, उसने अपने कब्जे में ले लिया है, एंड देन बिकॉज उसके वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। मतलब है? जो भी बोलो वो मतलब पहले से उसके साथ वो शैतान शक्ति जुड़ी हुई थी, और उसकी शादी हुई उसके बाद भी उसे वो परेशान कर रही है शैतानी शक्ति, और वो नहीं चाहती शक्ति कि मतलब ये अपनी जिंदगी में खुश रहे। जी, और वो अभी ये सारी चीज़ों को हम भरले से मतलब विश्वास नहीं करते हैं, बट ये सारी चीज़ें हमने जब सामने देखी तो हम भी विश्वास करने लगे, और अब हमें भी पता चला है कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अरे सही बात है यार, कोई भी विश्वास करने लगेगा, क्योंकि ये जो भूत प्रेत शैतानी शक्ति आत्माएं जिन प्रेत पिशाच वैम्पायर जो भी चीज़ें बोलते हैं, हम सिर्फ कहानियाँ तक सीमित नहीं है। हमें लगता था कि हाँ। मूवी है मतलब, हाँ। इसलिए ऐसा शो कर रहे हैं एंड ऑल दैट सीरियल्स में, बट जब हमने रियल लाइफ में देखा तो अब हमको भी मतलब है ये ट्रस्ट कि हाँ ऐसा हो सकता है। वही तो, जब तेजू आई यहाँ पे, जब बताई उसने कि मैंने खुद की आंखों से देखा ये सारी चीजें, मैंने खुद महसूस की हूँ, खुद फील की हूँ, मेरे सामने सब कुछ हुआ, तो मैंने बोले कि तुम्हें तो हमारी ऑडियंस को सारी चीजें बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम हो पाता है कि कोई किसी से कोई घटना घटी, किसी सामने घटी है, और वो लोग हमारे पास आए और अपनी घटना वैसी बता पाए। क्योंकि इसलिए ना दी, सब लोग मतलब डरते हैं जब शादी वगैरह होता है तो, हाँ, बॉडी बहुत सेंसिटिव रहती है, हाँ, हाँ, तो जो हमारे गांव के लोग रहते हैं लेडीज लोग, उनको एंट्री नहीं करने देते, हाँ, इसकी वजह से कि कुछ वो लोग करना दे या कुछ डालना दे, बिकॉज ब्लैक मैजिक भी करते हैं, हाँ, ब्लैक मैजिक ये सारी चीजें करते हैं, इनफैक्ट जब वो आशीर्वाद देते हैं तभी भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये सही बोल रही है, गांव में ऐसी चीजें होती हैं, जब लड़के को शादी होने वाली रहती है, जब उनको हल्दी लग जाता है एक बार, तो गांव की कोई भी औरत हो या कोई भी आदमी हो, किसी को भी घर में ऐसे लड़कियों के पास एंटर नहीं करने देते, आई थिंक 7-8 दिन पहले से एंटर नहीं करने देते, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनकी जिंदगी में कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो मतलब सोचो ऐसी चीजें भी दुनिया में होती हैं, और बहुत बड़ी बात है। मतलब आप लोग जो भेजते हो वो स्टोरी तो मैं आप लोग को रोज सुनाती हूँ, मैं निखिल रोज सुनाते हैं, लेकिन आज तेजू ने जो सुनाया उसके सामने बिल्कुल सच्ची घटना घटी थी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये घटना पसंद आई होगी। अभी वो ठीक है बिल्कुल? हाँ, अभी वो ठीक है। अच्छा, मतलब कहीं पे दिखाए होंगे इसकी वजह से वो ठीक हुई है। अच्छा, तो है मतलब अभी कैसा है कि पूजा वगैरह कर रही है, नहीं तो अगर जैसे हनुमान भगवान का भी अगर कोई भी अगर वो हनुमान चालीसा भी किसी ने लगा दिया, हाँ। तो फोन फेंक देती थी, अगर बगल में कहीं मंदिर है, हाँ। कुछ आवाज आ रहे हैं या कुछ उसको सुनाई दे रहे हैं तो वो अजीबो गजीब मतलब बोलते ना, हाँ। हरकत करती थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो वही लड़की है। मतलब वो पजेस हो जाती थी, और पजेस होने के बाद उसकी बॉडी उससे वो हरकतें करवाती थी, एक्चुअली वो करती नहीं थी, वो नहीं करती थी। तो मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन उम्मीद है कि वो अभी अपनी जिंदगी में खुश है, ठीक है, और भगवान करे वो ठीक रहे अपनी जिंदगी में। किसी भी इंसान के साथ ऐसी घटना कभी नहीं घटनी चाहिए।
और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम लोग ऐसी खौफनाक वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं एक ऐसे डरावने वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।